हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के अंदर 151 नई प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी और उसके लिए रेलवे ने 109 रूट्स को डिसाइड कर लिया है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसकी वजह से रेलवे में बहुत सारी जॉब्स की कटौती हो जाएगी और कुछ लोगों की जॉब जा सकती है या फिर पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं और आपको प्रूफ भी कराऊंगा कि किस तरीके से ये सही है या फिर गलत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, रेलवे से जुड़े ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली बात करें बिजनेस टुडे की, तो बिजनेस टुडे ने अपना एक आर्टिकल लिखा है जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ओनली चेंज इन प्रोफाइल, नो जॉब्स कट, क्लियरिफाई इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे ने साफ साफ क्लियरिफाई कर दिया है कि जो जॉब प्रोफाइल है उनमें चेंज होगा और कोई भी कटौती नहीं होगी। चेंज इन प्रोफाइल से क्या मतलब है कि तो आपकी पोस्ट में चेंजेस होंगे। जैसे कि मान लिया कोई बंदा जो रेलवे में लोको पायलट का असिस्टेंट है तो उसकी पोस्ट में ग्रोथ हो सकती है, तो उसकी जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा कम करके इसकी प्रोफाइल को चेंज कर दिया जाए और आपको प्रमोशंस के भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि रेलवे की जॉब्स में कटौती आएगी या फिर कोई भी फर्क पड़ेगा। तो दूसरा एक और प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा जो रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो अपलोड किया, वहां पे उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि मौजूदा नौकरियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भी वीडियो देखिए। 51 आधुनिक ट्रेनों की पेशकश करते हुए 109 जोड़ी रूट्स पर यात्री ट्रेन सेवाओं के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कदम से रेलवे में तकनीक के माध्यम में ढांचागत सुधारों को बल मिलेगा और रेलवे दे सकेगा और अधिक ट्रेनों की सर्विसेज। इन ट्रेनों के चलने से मौजूदा ट्रेन सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मौजूदा ट्रेन सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मौजूदा जितनी भी सर्विसेज हैं उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्राइवेट सेक्टर में नई ट्रेन चलेंगी। तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि रेलवे की जॉब के अंदर कोई भी कटौती नहीं होने वाली है, जैसे जॉब चल रही थी वो वैसे ही जॉब चलती रहेंगी। तो इसमें लोगों का किस तरह फायदा होगा, वीडियो में आगे तक जरूर बने रहिएगा। तो पहली चीज क्या है कि रेलवे ने क्लेरिफाई कर दिया था कि जो प्राइवेट रेलवेज हैं इनके अंदर जो हमारे गार्ड्स और लोको पायलट जो होंगे वो रेलवेज के होंगे, यानी कि अब रेलवे की जॉब्स में जो है बढ़ोतरी आएगी। मान लिया 2000 वैकेंसी निकलती थी तो अब वो 2500 कर दी जाएंगी या मे भी ज़्यादा कर जाएंगी, ये एक एग्जांपल के तौर पे है। तो इस तरह जॉब्स में चेंज आएगा, जॉब बढ़ेंगी। मान लिया कोई स्टूडेंट कुछ नंबर से पीछे रह जाता था तो उसको भी अब जॉब मिलने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइवेट सेक्टर होने से बहुत सारे लोग जो या फिर बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है उनकी, तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अवेलेबल हो जाएंगे, फास्ट सर्विस मिल जाएगी लोगों को। तो इससे तीसरा फायदा क्या है कि आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका जो लगेज यानी कि सामान है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से रेलवे की इस चेंज से आपको फायदा होने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए।